हेलो चिल्ड्रन हेलो बच्चों वेलकम टू योर चैनल आज हम कर रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन एमसीक्यू क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर वन है और आई होप आपको मेरे एम पसंद आ रहे होंगे इसका एमसीक्यू भी मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है और जहाँ जहाँ हो सकेगा हम बुक को रेफर करेंगे जिससे कि हम वेरीफाई कर सकें हम करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव इंडिया हैज़ ट्वेंटी नाइन स्टेट्स एंड सेवन यूनियन टेरेटरीज और ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड सिक्स यूनियन टेरेटरीज और ट्वेंटी फाइव स्टेट्स एंड सेवन यूनियन टेरेटरीज और ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड नाइन यूनियन टेरेटरीज तो चिल्ड्रन इसका सही जवाब है इंडिया हैज़ ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड नाइन यूनियन टेरेटरीज हम बुक भी रेफर करते हैं सो इफ यू सी इंडिया ऑक्योपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया India has 28 states and 9 union territories. It is shown in the figure 1.5. Let's see the figure also, how it says. Mm, let's see the figure also. So, you see the figure here. इंडिया इज डिडेड इन सो मेनी स्टेट यूनियन टेरिटरीज इंडिया हैसेज इज कॉल्ड डेल्टा स्ट्रेट बे और कोस्ट लाइन तो बच्चों ये आपको याद रखना पड़ेगा आई थिंक डेफिनेशन बुक में नहीं है अरोल ऑफ सी सेल्ड स्ट्रेट

आप सॉरी बच्चों पैसिफिक की स्पेलिंग गलत हो गई इट्स पी ओशन सो दिस वेरी इजी चिल्ड्रन एक्चुअली द फॉलोइंग प्लेसिज वुड यू फाइंड द लीस्ट डिफरेंस इन द ड्यूरेशन बिटवीन डे टाइम एंड नाइट टाइम श्रीनगर कन्याकुमारी लद्दाख और नन ऑफ दब तो बच्चों इसका सही आंसर है कन्या कुमारी इन द बुक फॉर दिस ओके एक्चुअली इन बुक ऑल्सो इट इज रिटन वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज हार्डली फेल्ट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर तो हमें वैसे आंसर तो मिल गया है कि देर इज हार्डली एन डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन एट कन्याकुमारी करेक्ट आंसर इज कन्याकुमारी इंडिया अचीव्ड मल्टी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ड्यूरिंग द लास्ट फाइव डेकेड्स सिंस एंशियंट टाइम्स ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड और इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी बच्चो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन कि हमारे इंडिया ने सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कब सबसे ज्यादा कीन करी है तो ये लास्ट फाइव डेकेड यानी कि लास्ट पचास सालों में जो हुआ है सो हुआ है उससे पहले इतना नहीं हुआ था सो करेक्ट आंसर इज ड्यूरिंग द लास्ट फाइव डेकेड इफ यू इंटेंड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू लक्षद्वीप पौदुचेरी अंडमान निकोबार और दू एंड दमन तो बेसिकली यह क्वेश्चन है कि कवरती कौनसी यूनियन टेरिटरी में है क्वेश्चन इन योर बुक ऑल्सो तो बेसिकली कवरती इज इन लक्षद्वीप तो उसका आंसर है लक्षद्वीप

बुक में आप देखोगे डू यू नो में लिखा है इनमें से कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं सिंस द द ओपनिंग ऑफ कैनाल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय है किलोमीटर तो करेक्ट आंसर है कैनाल सो सुज कैनाल इज द राइट बाय विच जोग्राफिकल फीचर इज इंडिया बाउंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट northern plains प्लेन्स फोल्ड माउंटेन्स और desert तो so, ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे इंडिया है उसमें कौन सा ऐसा जोग्रेफिकल फीचर है जो कि नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है तो बच्चों गेस्ट कीजिए सो चिल्ड्रेन रेफर टू द बुक आल्सो, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट तो करेक्ट आंसर है यंग फोल्ड माउंटेन्स करेक्ट आंसर यंग फोल्ड माउंटेन्स इंडिया हैज लाउंड लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर्स एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर्स सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर और नन ऑफ दवा तो बच्चों ये तो बड़ा जी होना चाहिए हमको यह मालूम है सेवन थाउजेंड तो नहीं है पंद्रह हजार दो सौ या अठारह हजार दो सौ लैंड बाउंड्री हो सकती है हम बुक भी रेफर करें हम बुक भी रेफर करेंगे बच्चों इफ यू सी इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर जो सेवन थाउजेंड फाइव वन सिक्स सिक्स किलोमीटर है दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड विच इंक्लूड्स अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप So remember, 15,200 land boundary, 7,516.6 is the coastline. So we'll select 15,200. From Arunachal Pradesh to Gujarat, there is a time lag of 2 hours, 4 hours, 30 minutes or none of the above. So children, we will refer to the book again. From Gujarat to Arunachal Pradesh.

Both the latitudinal and longitudinal extent of India's mainland is about 30 degree. But on looking at the map of India, which of the following alternatives do you observe about India's size? मतलब ये क्वेश्चन है कि हमारा और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है इंडिया का मेन का वो तकरीबन तीस डिग्री है लेकिन जब हम मैप देखते हैं तो हमें क्या ऑल्टरनेटिव दिखता है ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंट अपीयर्स इक्वल

लिखा हुआ है बुक में लुक एट फिगर 1.3 पॉइंट थ्री एंड नोट दैट द दैटीट्यूडनल एंड एक्सटेंट ऑफ़ द लैंड इज अबाउट थर्टी डिग्री डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपियर्स टू बी स्मॉलर दैन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट देखें हम फिगर भी देखते हैं तो बच्चों दिस इज द फिगर इन द बुक जो जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया है तो ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा अगर ये एम में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है सो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इफ यू intend to visit the island Kavarati during your summer vacation, which one of the following Union Territory of India you will be going to? आई थिंक हमने ये क्वेश्चन पहले भी कर लिया है कवरअत् जो है वो लक्षद्वीप में है ऑप्शन आपके पास चार हैं लक्षद्वीप अंडमान निकोबार पाण्डिचेरी दियू एंड दमन सो so, लक्षद्वीप के अंदर कावर कावर है तो करेक्ट आंसर इसका लक्षद्वीप है सो so बच्चों दिस वाज़ द लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर द पार्ट वन मैं पार्ट टू और पार्ट थ्री बहुत जल्दी पब्लिश करूंगा इफ यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट कीप्स मी मोटिवेटेड थैंक यू फॉर वॉचिंग आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर यू एग्जाम